सहरसा में आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में जमा हुए 7 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ धर दबोचा। सभी अपराधियों पर जिले के कई थानों में मामला पहले से ही दर्ज है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोबरगढ़ा नहर पर कई अपराधी किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की और यह सफलता हाथ लगी। कल रात्रि में गुप्त सूचना मिली करीब 1 बजे की, 6-7 अपराधकर्मी गोबरगढ़ा के पास जो नहर है वहां पर बैठ करके किसी अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहरसा, साथ में सदर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजमणि के टीम के द्वारा वहां पर रेड किया गया। वहां से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। चारों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें से एक जो अभिजीत कुमार है पहले भी उसके ऊपर मर्डर, 395 आर्म्स एक्ट, चोरी वगैरह की काफी घटनाएं की गई हैं। इन चारों से जब पूछताछ की गई तो उनके निशानदेही पे सुपौल में जाकर के रेड की गई और वहां से भी 3 और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। टोटल अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं वो 7 हैं और सब 7ों पर सहरसा जिला अंतर्गत भी कई थानों में केस दर्ज है तथा सुपौल में भी इनके ऊपर केसेस दर्ज हैं। इनके पास से 1 7.651 की पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, करीब 8 गोलियां, 6 मोबाइल फोन, 2 बाइक्स बरामद की गई है। साथ में कुछ कोरेक्स, करीब 2 कार्टून कोरेक्स भी बरामद किया गया है। इन लोगों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर काफी जो पूर्व में भी जो बीरा बनगांव थाना में भी कुछ केसेस दर्ज हैं उसका भी उद्भेदन हो चुका है। तो इन 7 अपराधियों की गिरफ्तारी सहरसा जिले के लिए एक अच्छी उपलब्धि है और टीम में जो भी लोग